तेरी 5 है, तेरी कितनी है? तूने एक आध बॉल पकड़ पाई है? मैं 50। 3 बार मौज आएगी तेरी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मिल रहे हैं सभी से बहुत दिनों बाद। तो आज मैं जा रहा हूँ खेतों में ये चेक करने कि मेरे खेत में ऊँट आ गई कि नहीं आ गई, और दूसरे खेत देखूँगा कि उसमें मतलब मेरे धान पके हैं कि नहीं पके। चलो चलते हैं फिर। मैं खेतों में पहुँचने ही वाला हूँ और मैं भाई आपको दिखाऊँगा कि मेरे धान हुए कि नहीं हुए। तो जैसे ये मेरा पड़ोसी का खेत है, इसके पार करने के बाद जाना पड़ता है। इन्होंने इसमें ला कर रखा है, मतलब लाभ वगैरह हुआ है। तो अब जो थोड़े थोड़े उपज भी लगो देख रहे हो, तो जो देखो सभी। और मेरी तो अभी बाद में बग जाओ जब मेरी ऊँट आ जाए पल्ले भाई खेत में, ताकि बाद में ला। तो देखते हैं, चलो बस पहुँचने ही वाले हैं खेतों की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, ये है मेरे धान का खेत जिसमें धान उग रखे हैं, मतलब पकने अब पक तो गई हैं, बस कटने को तैयार है। मैं 25 मतलब अगली 25 या 26 27 तारीख के बाद मैं कटवाऊंगा इनको। तो ये है मेरा धान का खेत जिसमें धान है, तो और ये बस रिकटने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं इन 9 दिनों के बाद मतलब 27-28 तारीख को मैं इसको कटवाना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पड़ोसी, इधर भी मेरे पड़ोसी का खेत है रविंद्र का। तो देख लिया, अब दूसरे खेत में चलते हैं देख ये चेक करने के उसमें ऊँट आ गई कि नहीं आ गई। तो उसमें मुझे भी लाभ होना है, चलते हैं देखते हैं चलने। दोस्तों अब मैच खेलने आ गए और मैं खेत देखा है, मैं दूसरा खेत जा नहीं पाया देखने क्योंकि मैं थोड़ा काम आ गया था, तो मैं लौट आया था। तो मैं अब मैच देख, हाँ फील्डिंग कर रहे हैं, तो मैच देखे हुए मैच खेले हुए आएंगे अब दोपहर को, मतलब 9-10 बजे हैं वे, तो मैच खेले हुए स्टार्ट है। तो इतने जी हमारा ग्राउंड बन हुआ है, अनु बैटिंग कीपरिंग, इतने बॉलर शेखर और जो लेदर की बॉल थे बॉल कराई जा रही है। और अब देख रहे हैं एंटरटेनमेंट इज योर। तो हाय दोस्तों, तो आज मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो मैं उम्मीद तो आज इंडिया ही जीते ही, और मैं भारतीय हूँ, भारत के होने के नाते मैं भारत को जिताऊँगा और इंडिया जीतेगी। और इतने खेलते 2 घंटे हो गए, थकान महसूस हो रही है, बस लास्ट इस ओवर के बाद घर जाएंगे। बस ये लास्ट ओवर हो रहा है, बस बॉलिंग करा रहे हैं नितिन सेठ जी, देख रहे क्या हाल होता है। सभी बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, बस 2-3 प्लेयर ऐसे बस टाइम पास करते रहते हैं। और बस क्या है टाइम पास करने, छुट्टी के टाइम पे संडे मंडे ट्यूजडे मंडे जब छुट्टी होती है तभी खेलने चले आओ, चले आते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो फिर से मैच खेलने आ गए, शाम का समय था, फिर से आज पूरा दिन मैच खेलने में ही निकल गया। और थोड़ी देर के लिए गए थे घर पर और फिर रेस्ट वेस्ट किया, फिर से मैच खेलने आ गए थे। अब मैच खेलते खेलते 1 घंटा हो गया और ये आज मैदान काफ़ी भीड़ है, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए भैंस बकरियां चराने के लिए। तो इधर हमारे मैदान में भैंस बकरी सब चरते हैं, बकरियां कहते हैं। तो मज़ा आ रहा है मैच खेलते खेलते। तो आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है जिसमें 4 विकेट हो गए इंडिया के। हाँ अभ्याल कर रहा हूँ जिले, तो जो दर्शक बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए आए थे, जो दर्शक बैठे हुए हैं और तो इधर मौज ले रहे हैं सारे बच्चे के बच्चे। हाँ इधर बच्चे देख रहे हैं, भैंस बकरियाँ चराए भी आई हैं। तो इधर पड़ोसी आ रहा है इंडिया न्यूजीलैंड के देखने में। तो 6 विकेट देंगे, 2 विकेट बॉल खो गई। तो हम बॉल देखने आए हैं, तो देख रहे हैं कितने की बॉल, तो बॉल देख ही आ रही है अब। तो और छोटू साहब तो बॉल गई कितने की, तो बॉल ढूंढी जा रही है। तो बॉल अब देख, तो इन झाड़ियों में बॉल ढूंढते हैं अब हम। ये हमारी दुविधा है, ऐसी भी आ जाती है छोटी छोटी प्रॉब्लम बॉल ढूंढने में। तो बॉल दिख ना रही, जे रही मिल गई, तो जे रही हमारी बॉल। तो जी तो बॉल मिल चुकी है, बॉलर के पास जा चुकी है,
अब बॉलर रेडी होंगे मैच बॉलिंग कराने के लिए, तो चलते हैं अब मैच देखने, मतलब खेलने, सॉरी हम एक एक ओवर का मतलब टाइम पास के लिए खेल लेते हैं ताकि मन से भी हो जाए, तो मन भी अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस भी जाती है, कसरत हो जाती है और क्या। तो और जब हम छूट जा रहे बॉल पकड़ हुए खेलें तो हाँ भैया कितनी कितनी बॉल पकड़ ली है, तूने 12 पकड़ ली है, तूने कितनी पकड़ी जान 6 पकड़ ली, तूने क्या पकड़ ली 7 बस है। और तुम्हें छिड़िया गाय रहे जे रही, तो जो छिड़िया किन किन की है जे 23 है, 23 कितनी है, तूने एक आध बॉल पकड़ पाई है, मैं 50 तीन बार मौज आई गई, एक आध मौज मिली ना मिली है, तुम्हें मिलेगी गुड मिलो, अच्छा तो भी गुड मिलेगा प्यारे बच्चे जिन्हें। हाँ तो जी मतलब यहाँ पे मतलब बकरियाँ चराने के लिए आ जाते हैं थोड़ी शाम के टाइम, और तो इधर प्रशांत खेलता हुआ हमारा, तो आज मैं प्रशांत की शांत, हाँ हाँ बिल्कुल प्रशांत चक्की चक्की लगाएगा अभी, मतलब बॉल आते ही तो दूर रह जाते हैं। कहे गई 4 बॉल है गई, प्रशांत ने एक गुना खेल पाई और का, तो बेइज्जती का एरिया मैं तो बता रहा हूँ, तो देखते हैं वाइड आएगी तो जो वाइड बॉल, तो सामने वाले खेत में परी बटू कर दी गई है, अब मैच खेलते खेलते बस थोड़ी बहुत देर में चले जाएंगे, और काम हो चुका है, सूर्य ढल चुका है, हाँ सूर्य ढल चुका है सामने की तरफ और क्या, और चारों तरफ हमारी हरियाली हरियाली है, तो ये हरियाली भी आप देख सकते हैं, और चलो तो, और ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करें, कमेंट